सो फ्रेंड्स, कैसे हैं यार आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, उसी को देख के यहाँ पे आप वीडियो में आए हैं। तो यार यहाँ पे आज हम बात करेंगे हुआवे यूएसए के अंदर बैन क्यों हुआ, क्या थे इसके कारण भाई बैन होने के। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप करते हुए मत जाइएगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको रेड से ग्रे कर दीजिए, और बेल आइकन को भी हल्का सा हिट कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आपको बात कर लूँ हुआवे के। यार हुआवे एक बहुत ही बड़ी कंपनी है आपकी चाइनीज मार्केट के अंदर। मतलब यार चाइनीज मार्केट के अंदर हुआवे का नाम सबसे पहले नंबर में आता है। 71 बिलियन डॉलर की एक कंपनी है। तो भाई यहाँ पे ये जापान के अंदर बैन है, फ्रांस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बहुत सारी ऐसी आपकी कंट्रीज हैं यहाँ पे बैन करी गई हैं। अब यार ये बैन क्यों करी गई है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यार यहाँ पे हुआ यू है ना, इनके जो सीईओ हैं जैन फेंगी, अब इनके नाम अच्छी से मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है, तो भाई उनके मतलब चाइनीज नाम तो आपको पता है कैसे होते हैं, रेन फेंगी। यहाँ पे ये डायरेक्टली यहाँ पे रिलेट करते हैं, मतलब इनका कनेक्शन है चाइनीज़ मिलिट्री से। अब यार यूएस ये चाहता है कि भाई अगर इनके सिक्योरिटी ब्रीचेस हो गए, ये डायरेक्टली अगर हमारे हम इनको स्मार्टफोन यूज़ करने के लिए देते हैं। आपको मैं एक बार बता दूँ, हुआवे का जो अभी P20 Pro लॉन्च हुआ था कहाँ पे, इंडिया, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च हुआ था, पर उसको वहाँ पे चाइना में तो लॉन्च हुआ ही हुआ था, पर यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर यहाँ पे इसको बैन करा गया था। अब यार ये इसलिए बैन किया गया था, जिसकी मैंने आपको बताया सिक्योरिटी ब्रीचेस, वो सोचते हैं कि भाई ये आपके जो हुआवे हैं इनके जो सीईओ हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है उनका मिलिट्री से, और ये जो उनके सीईओ थे, जो उनके फाउंडर हैं, वो यार डायरेक्टली यहाँ पे कोई बड़ी पोस्ट के अंदर थे चाइनीज मिलिट्री के अंदर। तो यार यहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे वो हमारा डेटा उनको दे सकते हैं, हमारी जो जितनी भी सिक्योरिटी है या जितने भी मोबाइल फ़ोन में है हमारे जो यूज़र्स हैं उनका डेटा वहाँ पे चाइनीज़ मिलिट्री के पास चल सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को तो पता ही है चाइनीज़ मिलिट्री यहाँ पे तीसरे या दूसरे नंबर में आती है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पहले यूएसए, फिर रशिया, फिर चाइना, नाम तीसरे में चाइना का है। और फिर उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो लीक हो सकता है, तो इसलिए एक कारण तो ये है कि वहाँ पे चाइना के अंदर, सॉरी यूएसए के अंदर, यहाँ पे आपका हुआवे के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बैन है, क्योंकि डायरेक्टली यार सीईओ का मिलिट्री से कनेक्शन है। तो अब दूसरी बात यहाँ पे ये है, क्योंकि यार बहुत तेज़ी से हुआवे यार आगे बढ़ रहा है। अब आपने देखा होगा खुद की चिप जो है वो पहले से ही मैन्युफैक्चर करता है, जो उनकी क्रीन की है, क्रीन 980 970 जो उनके फ़ोन में प्रोसेसर लगते हैं। अब आने वाले टाइम में वो कोशिश कर रहा है कि हम लैपटॉप्स के लिए भी प्रोसेसर बनाएं। बहुत मतलब आगे से उनका इनोवेशन इतना तेज़ है कि भाई उनको पीछे करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भाई 5G टेक्नोलॉजी की। अब यार हुआवे एक फ़ोन ही नहीं बनाता है, वो अपने चिपसेट बनाता है, बहुत सारे मॉडम्स बनाता है, और मान लीजिए आपके एक मोबाइल फ़ोन के अंदर ही नहीं फैला हुआ है वो, उसकी मार्केट ना बहुत बड़ी है। आप अगर देख रहे होंगे, अगर आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्या बताओ वो ऑनर का हो या हुआवे का हो, या आप कोई मॉडम यूज़ कर रहे होंगे वो भी हुआवे का हो सकता है, या आप कोई राउटर यूज़ कर रहे होंगे वो भी हुआवे का हो सकता है। तो यार यहाँ पे उनके मतलब ब्रांचेस या उनकी मतलब मैन्युफैक्चरिंग पावर इतनी तेज़ हो गई है, इनोवेशन में इतना काम कर रहे हैं उनके, मतलब हर एक प्रोडक्ट के अंदर, हर एक एसेसरीज के अंदर कुछ ना कुछ वहाँ पे उसका पार्ट लगा ही हुआ है। तो यार यहाँ पे वो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सैमसंग से पहले हम लोग लेके आएंगे। तो यार यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है, वो चाहती है कि भाई हम लोग सबसे पहले हम लोग लेके आए मार्केट के अंदर 5G टेक्नोलॉजी, या बहुत बहुत इनोवेशन में ध्यान दे रहे हैं। अब एप्पल देख लीजिए, अब एप्पल भी यार आजकल थोड़ा सा स्लो चल रहा है, क्वालकॉम और इनके बीच में थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, पर यार ये लोग चाहते हैं कि भाई एप्पल को कोई ना पीछे कर पाए, क्योंकि एप्पल एक यूएस कंपनी है, यूएस से उसका फाउंडर है स्टीव जॉब्स, अब उनके सीईओ है यहाँ पे आपके टीम कुक। तो यार वहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि ये काम एप्पल करे या कोई और अदर कंपनी करे जो वेस्टर्न साइड की हो, यहाँ की कंपनी मतलब चाइना जैसी कंपनी है, वो लोग यहाँ पे ये चीज़ ना कर पाए। तो यार इसलिए यहाँ पे हुआवे को बैन करने के ये दो कारण हैं कि भाई उसको पूरे यूएसए के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे आपके हुआवे के प्रोडक्ट्स, हुआवे के स्मार्टफोन नहीं बिकते हैं। तो यार आप लोग अब देखिए कि आप लोगों को तो पता लग गया होगा कि भाई यहाँ पे हुआवे के प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकते हैं आपके यूएसए के अंदर, आपके न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या आपके ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे यूएसए का दबदबा है, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे रखा है कि भाई
कि आप हुआवे के प्रोडक्ट्स को नहीं बेचेंगे। जैसे कि यार मैंने इसके बारे में पूरी केस स्टडी पढ़ी तो मुझे यहाँ पे यही निकल के आया कि भाई उनके जो CEO हैं, जो उनके फाउंडर हैं यार, वो डायरेक्टली रिलेट करते हैं यहाँ पे आपके चाइनीज मिलिट्री से। तो इसके कारण भी एक कॉज हो सकता है। और दूसरा आपके 5G मॉडम्स को लेके, 5G टेक्नोलॉजीज को लेके, इनोवेशन को लेके कि यहाँ पे हुआवे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है भाई इनोवेशन के अंदर। मतलब उनकी जो पॉर्से सीरीज है भाई, 1.5 लाख की बिकती है उनकी पॉर्से सीरीज। और यहाँ पे उनके हुआवे के मेट 20 प्रो, मेट सीरीज भी बहुत उनकी महंगी है। तो भाई ऐसा यहाँ पे वेस्टर्न कंपनीज जो है, US की जो कंपनीज हो गई आपकी, मान लीजिए यहाँ पे आपका एप्पल हो गया, और भी मतलब ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो यहाँ पे हुआवे को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। वो सोच रहे हैं, US सोच रहा है कि भाई हमारी कंपनी आगे निकल के आए और पूरी कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा ही दबदबा हो। तो बस यार यही सब था इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। आज का लाइक का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। अगर आप लोग 50 लाइक्स यहाँ पे कर देते हैं तो भाई आप लोगों को यहाँ पे एक, मेरे को तो मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा। और यार आप लोगों को भी खुशी होगी कि आप लोग जान पाए कि हुआवे क्यों बैन है यहाँ पे US के अंदर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा। और इस चैनल में अगर आप नए आए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए तो चले ही जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।